आपका प्यार सदाबहार, बना रहे हमारी वीडियो में। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में आपको यहाँ पर कोई गुलाब नहीं दिखेगा, तो चलिए मैं एक बार दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने सारे गुलाब एकत्रित कर दिया, यानी इकट्ठा कर दिया। तो चलो दिखाता हूँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। तो चलिए हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो कल भी मैं फोल्डिंग भूल गया था, आज भी फोल्डिंग भूल गया हूँ। पापा भी चार बार सुना रहे थे, मम्मी भी बोल रही थी, तो चलिए फोल्डिंग उठा के नीचे ले जाता हूँ। तो देखो गाइस, आपको एक भी यहाँ गुलाब नहीं जा रहा। गुलाब तो है, पेड़ है, पर फूल नहीं है। अब फूल मैं आपको एकत्रित कर दिए हैं एक जगह, दिखाता हूँ वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पहले मैं फोल्डिंग लेके चला जाता हूँ, नीचे रख देता हूँ। तो देखिए कुछ नज़ारा इस प्रकार से है, हमारी जो पौध वगैरह लग गई है, तो कुछ इसमें भी डाउन होंगी, मरेंगी। तो एक तुम्हें प्लांट दिखाता हूँ, उसको गुड लक प्लांट बोलते हैं। देखो इसका नाम है गुड लक प्लांट, और इसको जेड प्लांट भी बोला जाता है। मैं देखो आपको ब्लॉग के साथ साथ एकदम गार्डनिंग का भी लुप्त में यानी मज़ा उठा सकते हो मेरे साथ। तो देखो गाइस, ये पैंजी थी, इसे लोग तितली वाला फूल ही बोलते हैं। तो इसका सीज़न ऑफ हो गया, ये एकदम पौधे ख़राब हो गए, और ये डेलिया का है, ये देखो ये भी ख़राब हो गया, एकदम सूख गया है। अब इसका सीज़न ऑफ हो गया, तो बोलते हैं आम फल। तो गाइस मैं फोल्डिंग लेके जा रहा हूँ। अरे यार, एक हाथ से कैमरा भी पकड़ना है, फोल्डिंग भी करनी है, देख लो कितनी मेहनत का काम है। एक हाथ से फोल्डिंग, देखो फोल्डिंग मैंने पैक कर दी एकदम, गिर गई साली फोल्डिंग। अब इसको मैंने यूं करके टांग लिया, अब लेके जा रहा हूँ नीचे। तो फिर शाम को इसको लेके आना पड़ता है मुझको। तो चलिए देखते हैं नीचे सारे क्या कर रहे हैं, बाकी मैं तो ऊपर आ गया था छत पे। तो देखो गाइस, रसोई में भी क्या बना, मैं तो नाश्ता वास्ता कर लिया पहले ही। ये तो क्या बना रही है, क्या बना रही है खाने में? शिमला मिर्च की सब्जी और आलू। देखो शिमला मिर्च बन रहा है, रोज हम कढ़ाई बनाते थे, आज हम बना रहे हैं पतीले में। देखो आज देखते कैसे बनती है। ये कढ़ाई बनाती थी रोज, आज पतीले में बना रही है, तो देखते हैं पतीले का स्वाद कैसा होता है। तो चलो मम्मी के पास चलते हैं। मम्मी रोज सुबह कहती दुकान खोलो, दुकान खोलो, आज खुद बैठी दुकान पे। देखो ये और हमें कहती दुकान खोलो, दुकान खोलो, और खुद आती है 9 बजे दुकान पे, 10 बजे। क्या चीज का? देखो सुबह सुबह मम्मी को मनी मिल गई 50 रुपये, सुबह सुबह बोनी होगी मम्मी की, 50 रुपये मिल गए मम्मी को सुबह सुबह। आज मैं आपको दिखाता हूँ एन सारे रोज। चलिए तो देखिए गाइस, कितने सारे रोज ही रोज। ये देखो रोज, ये देखो रोज, ये पीला रोज, ये देखो कितने फ्लावर है ना। तो कमेंट करके बताना आपको कौन सा फूल अच्छा लगा। ये है पिंक वाइट, और ये है मैरून में, ये सब इंग्लिश गुलाब है। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं काम पर, और देखो पापा पीछे फिर लग गए सुबह सुबह काम पे, सफाई करने लग गए एकदम ही। तो अब हम जा रहे हैं काम पर, और देखते हैं आज क्या होता है। और देखो यहाँ पर धूप लग रही थी ना, तो मैंने अपनी जादू को वहाँ पे खड़ा कर दिया, वहाँ पर थोड़ा छांव आता है, और यहाँ पे पूरी तेज़ धूप आती है कड़ाके की। तो देखो पीछे से व्यू कुछ इस प्रकार है। आज मेरे हिसाब से एक बात बताता हूँ तुम्हें, तो दिखाता हूँ एक बार, चलो लेके चलता हूँ वहाँ पे। ये देखो बंद गोभी लाइन से लगी हुई है, आज इसको शायद हम काटेंगे, अब बनाएंगे शाम को। तो जब भी इसको हम मतलब ये आज काटेंगे शाम को, तो वीडियो में आपको दिखाएंगे, ठीक है गाइस। तो देखो मतलब कि इस पर मैंने ना रबड़ चढ़ाई थी, कि मतलब इसमें बंद गोभी वो फूल बंद बन जाए, मतलब कि बंदा हो गोभी हो जाए। तो क्या हुआ कि इसमें जो धूप की वजह से जो रबड़ थी वो एकदम वो करके टूट गई, और टूटने के बाद फिर इसका फिर पत्ता खुलने लग गया। तो मतलब अब इतना नहीं खुल रहा है, और क्या बोलते हैं, तो आज इसको हम काट के बनाएंगे। तो देखते हैं ताज़ी बंद गोभी का क्या स्वाद आता है। तो हम जब शाम को इसको काटेंगे ना, तो वीडियो में आपको जरूर दिखा देंगे। तो इससे पहले हम चलते हैं काम पर, और मिलेंगे किसी नए ब्लॉग के साथ। तो अब हम कुछ टाइम बाद स्विमिंग पूल भी जाने वाले हैं, क्योंकि जब हम पूछ के आए थे स्विमिंग पूल क्या बोलते हैं बंद था, तो देखते हैं कब खुलता है। तो हमें अब गर्मी बहुत हो गई है ना, तो बहुत जाने का मन करता है। तो चलिए गाइस मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।